नमस्ते, आप देख रहे हैं वायरल हिंदी न्यूज। दोस्तों, दो बड़ी ताकतों में मतभेद होना सामान्य, भारत के साथ पूरा सहयोग करेंगे चीन। चीन ने कहा है कि दो बड़ी ताकतों में मतभेद होना सामान्य सी बात है। एशिया के दो बड़े देश भारत और चीन एक दूसरे को सहयोग करने की क्षमता रखते हैं। बता दें कि नरेंद्र मोदी सितंबर के पहले हफ्ते में BRICS समिट में हिस्सा लेने चीन जाने वाले हैं। वहीं 28 अगस्त को भारत चीन के बीच 72 दिन चला सीमा विवाद हल हो गया। चीन डोकलाम से अपनी सेना वापस बुलाने पर राजी हो गया था। उसने इलाके में सड़क बनाने में लगे बुलडोजर भी वापस बुला लिए थे। हम मसलों को सही जगह उठाते हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग ली ने कहा, दो कद्दावर पड़ोसियों में विरोध का होना सामान्य सी बात है। अहम बात यह है कि हम समस्याओं को सही जगह पर उठाएं और आपसी बातचीत से हल करें, साथ ही एक दूसरे का सम्मान करें। इसके लिए जरूरी होता है कि दोनों देशों के नेताओं में एक राय हो। भारत और चीन में काफी संभावनाएं हैं और दोनों देश एक दूसरे को बेहतर तरीके से सहयोग कर सकते हैं। बता दें कि डोकलाम पर चीन साफ कर चुका है कि वह इलाके में पेट्रोलिंग जारी रखेगा। धन्यवाद।